सीन करना और उसके फिक्शन को एक शक्ल देना बहुत मुश्किल काम है। ख़ास तौर पर अख्तर रज़ा सलीमी के नावल जागे हैं ख्वाब में के हवाले से टाइटल बनाना और सरवरक की तज़ीनो आराइश करना बहुत मुश्किल काम था। एक नावल की एक जिल्द की तकसीम जो है वो बहुत ही कठिन काम है। वसी हैदर साहब ने बहुत मेहनत की और उसका 1001 टाइटल बनाया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अख्तर रज़ा सलीमी के नावल जागे हैं ख्वाब में तज़ीन इस तरह की है हर सरवरक में तो उसमें एक ऊँग सी आ जाती है और ख्वाब के अंदर जो ख्वाब का मामला है वो हमारे सामने आ जाता है। यूँ भी अगर उस नावल को आप पढ़ें तो आप एक ख्वाब आवर कैफियत में चले जाते हैं और टाइटल देख के यूँ लगता है जैसे वसी हैदर उस तजुर्बे से बार बार गुजरते रहे हैं जिस तजुर्बे से अख्तर रज़ा सलीमी अपने नावल में गुजरे हैं। तो गोया ये नावल जो है 1001 मरतबा वसी हैदर पर गुजरा है। थैंक यू।